नमस्कार। राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। सूर्य नारायण का जो गोचर है वो आपके कर्मा भाव से 12वें भाव में है। कोई भी ग्रह जब अपने भाव से 12वें भाव में जाता है तो उस पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पूरा समय नहीं, कुछ ऐसा क्षण आता है जहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली पे, मतलब वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का जो गोचर है कर्क राशि में, और अभी वो गोचर करने वाले हैं बुध के अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा, अश्लेषा बंधन का नक्षत्र है। अश्लेषा बांधता है, अश्लेषा चीज़ों को जकड़ लेता है, जकड़न का नक्षत्र है। और जकड़न जो होती है वो परेशानी का कारक होती है, कारण होती है। आप हर व्यक्ति इस जीवन में उन्मुक्त भाव से जीना चाहता है, स्वतंत्र भाव से जीना चाहता है। किसी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, अब दबाव, वो अच्छा महसूस नहीं करता। तो यहाँ पे सूर्यदेव स्वतः आर्द्रा में जा रहे हैं, मतलब अश्लेषा में जा रहे हैं, मतलब आत्मा बंधेगी, आत्मा के ऊपर प्रेशर आएगा, शरीर के ऊपर नहीं। शारीरिक प्रेशर सहन करने की क्षमता आपके अंदर जन्मजात विद्यमान है, वो तो आप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर आत्मा पे आ रहा है, दो एक चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि कर्मा का स्वामी जा रहा है अश्लेषा नक्षत्र में, मतलब कर्म बंधन, कर्म पे एक्स्ट्रा प्रेशर, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। पहले लाइन में, एक लाइन में अगर ये बोले जाए कि ये जो सूर्य नारायण का गोचर है अश्लेषा नक्षत्र में, या सूर्य नारायण का गोचर अश्लेषा नक्षत्र में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैसे, दबाव बनाएगा। या सूर्य नारायण का जो गोचर है 3 अगस्त को स्टार्ट होगा 4:04 पे, ठीक है ना, गुरुवार के दिन। और ये अश्लेषा में रहेंगे पूरा 17 अगस्त तक रहेंगे। 17 अगस्त को ये चले जाएंगे मघा नक्षत्र में। तो 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, मतलब 14 दिन आपके लिए जो आएंगे यह थोड़े से तनाव भरे रहेंगे। अब आवश्यकता ये है कि इन 14 दिनों में आप ध्यान पूर्वक कार्य करें। पहली चीज़ यह है कि कर्मा का स्वामी अपने से 12वें जा रहा है, तो थोड़ी सी लापरवाही आपके कामों में आ सकती है, या आपको टीटी वगैरह आपके काम के लिए बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑलरेडी प्रेशर में है, और चूँकि आप कंपनी में हैं तो कंपनी वाले चाहेंगे कि आप छोड़ दें, और नहीं छोड़ेंगे तो बोलेंगे आपका स्थानांतरण, कंडीशन ऐसे क्रिएट कर देंगे जहाँ पे आपको काम करना आपके लिए कठिन साबित हो जाए। ना करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो सीधा सीधा ना होता है, दूसरा ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है कि जहाँ पर आप फंस जाते हैं, आप मजबूरी में आके कहते हैं नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो देखिए, प्रथम जो इनका प्रवेश है 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का, यह अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम नवांश में इनका गोचर होगा। पहली बात, आपको यूट्यूब पे इस पर वीडियो ही नहीं मिलेगा, अगर वीडियो मिलेगा तो इतना डिटेल में तो नहीं मिलेगा। तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, अभी आपके राशि से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे भाई हैंड होल्ड निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रथम चरण में देखिए, प्रथम चरण आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि गुरु का धनु नवांश मिलेगा, धनु तो आपके परिवार से थोड़ा सा बंधन आएगा। ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि फंस जाइए, ये आपका जो धनु नवांश है ये आपके वे ऑफ टॉकिंग का है, पैसे का है। तो कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे भजन सुनाए के जग आपन कर ले। वाणी को वीणा बनाइए दोस्त, वाणा मत बनने दीजिए, वाणी ऐसा कुछ ज़्यादा मत बोलिए कि फंस जाइए। कभी कभी क्या होता है कि हम सीनियर के सामने फेंकना शुरू करते हैं, सर ये तो 2 मिनट का काम है, मैं कर ले जाऊंगा, ये 2 मिनट में हो जाएगा। सीनियर ने बोला अच्छा बेटा ठीक है तुम ही करके दो, छोड़ो ये इनको दे दो, तो ये फंसा देगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक बड़बोलापन से बचिएगा, बड़बोलेपन से बचिएगा। यहाँ परिवार की याद, परिवार के लोग आपको याद करेंगे, थोड़ा दबाव रहेगा। 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का जो समय है, यह सूर्य नारायण अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, और इसको जो है मकर नवांश बोलते हैं। मकर नवांश मतलब कर्मकारक नवांश। अब यहाँ से अगर आप देखें तो सूर्य नारायण अपने से 7वें होंगे, कहाँ से, जहाँ पे बैठे हैं गोचर में, लेकिन कर्मा से 6वें होंगे। तो बंधु बांधवों के लिए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बंधु बांधव संबंधित कष्ट, बंधु बांधव मित्र परेशानी में डालने वाले होंगे।
आपके मित्र ही आपको परेशानी में डाल देंगे, तो थोड़ा सावधानी के साथ काम करें। कुछ ऐसी बातें ना मित्रों से कहें जो आपको नुकसान देने वाली है, नहीं तो मित्र जो है आपके साइड से उसको रिकॉर्ड करेंगे वॉइस मैसेज और डाल देंगे आपके सीनियर के पास, लो भैया अब आप झेलो। बंधु बांधवों से बना के रखेगा। जो तृतीय नवांश है, तृतीय पद में गोचर करेंगे, अब यहाँ पे 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तृतीय पद में गोचर करेंगे, कुंभ नवांश मिलेगा। कुंभ मतलब सुख का नवांश, ठीक है। घर की स्थितियाँ संभालेंगी, लेकिन घर वाले थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, घर की चिंताएँ आपको दबाव में रखेंगे, बांध के रखेंगे, ठीक। चतुर्थ नवांश में जब जाएंगे तो मीन नवांश मिलेगा, और ये समय होगा 14 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक। 14 अगस्त को 2:29 से लेके और 17 अगस्त 1:44 तक, यहाँ पे थोड़े से पिताजी के लिए समय ठीक नहीं होगा। किसके लिए? पिताजी के लिए। तो आपके पिताजी अगर बीमार हैं, पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो कृपया सावधानी से चलें, यह समय पिता के हेल्थ के लिए खराब होगा। पिताजी की सेहत यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ेगी, पिताजी से आप दूर जा रहे हैं, आप वर्किंग प्लेस से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, वर्क प्लेस से दूर जा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो सीनियर है वो कुछ ना कुछ ऐसे आपको काम कहेगा जिससे आप अपने परिवार से अपने प्रेम से दूर जा रहे हैं, तो दबाव में रहेंगे। पहला पॉइंट क्या? दबाव में रहेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि जो यह नक्षत्र का स्वामी है वो आपके कर्म के घर में ही गोचर कर रहा है, तो बोलता है बेटा बहुत चिंता करने की बात नहीं है, मैं संभाल ले जाऊंगा, मैं संभाल ले जाऊंगा, इसलिए बुध संभाल ले जाएगा, लेकिन जागृत रहने की आवश्यकता है। देखिए अगर आप जागृत रहे तो संसार में कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनको आप ये चुटकी बजा के आप निकाल ले जाओगे, ठीक। अगर आप सावधान नहीं रहे तो फिर आपके लिए बंधन का कारक बन जाएगा। इसके बाद आप मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मघा मघा मतलब घमाघम। मघा नक्षत्र, एक और खास बात आपको इस वीडियो बता देता हूँ, मघा के पहले ही, मघा का जो पानी है ना वो सोना जैसा होता है। मघा वर्षा मतलब सोना वर्षा। तो आप जहाँ भी रहते हैं अगर मघा में बारिश होती है, मतलब 18 तारीख से लेके 17 तारीख से लेके पूरा अगस्त पर्यंत, तो आप उसके पानी को कलेक्ट करने की कोशिश करिएगा, इकट्ठा करने की कोशिश करिएगा, बाटल में भर लीजिएगा और उस मघा के पानी को रखिएगा। बहुत सी परिस्थिति, निगेटिव जो एनर्जी है घर में क्रिएट हो रही है ना, एनर्जी का सबसे सहज संचालक कौन होता है? जल। इसलिए पानी को इकट्ठा करके रखिएगा, भविष्य में आपको बहुत सुंदर काम आएगा और मघा में वर्षा जरूर होगी, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा वर्षा कब होगी। तो और इसी तारीख से भगवान शिव का मास, श्रावण मास भी आरंभ हो जाएगा 17 से, तो भगवान शिव की आराधना उपासना करते रहिएगा। प्रकृति अपने जगह यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है, आपको आशीर्वाद दे रही है। किसी मित्र ने पूछा था कि जो आपके उसमें मयूर बोलते हैं वो मयूर हैं कि नहीं है, तो मैं आपको उसको, हमारे पास तो भाई सारे प्रकृति संसाधन हैं, ठीक है ना, सर्प भी हैं, मयूर भी हैं और भी लोगों की आवाज़ें आती हैं, तो कहिए तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए डाल देता हूँ, आप स्वतः देख सकते हैं। प्रकृति के बीच में रहिए, बहुत आनंद है, ठीक है ना। सावधान रहिए केवल 17 तक, 17 के बाद मघा नक्षत्र आ रहा है। मघा मतलब घमाघम, आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव की आराधना करते रहे महाराज, कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता। प्रेशर बनेगा कुछ समय के लिए, हैंडल करिएगा, आगे आपके लिए राधे राधे हो जाएगा। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।